मोदी सर, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 के छात्र आकाश कुमार के सवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्चर्य में पड़ गए, फिर हंसते हुए जवाब दिया और कहा कि बेटा, मैं तो चाय बेचता था, मुझे नहीं पता था कि क्या बनना है। पीएम मोदी बच्चों की प्रतिभा देखकर कायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से 1,115 करोड़ की लागत से बने काशी सहित प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया, फिर एक हॉल में विद्यालय के बच्चों से संवाद किया। पीएम मोदी ने बच्चों से पढ़ाई की जानकारी ली। इस बीच बच्चों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, इसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों ने जिस तरह से मुझसे बात की वह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। दरअसल अटल आवासीय विद्यालय के 20 बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया, इससे बच्चे बहुत खुश और उत्साहित दिखे। कक्षा 6 की छात्रा रामेश्वरी ने पीएम मोदी से पूछा कि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं या जनता से? प्रधानमंत्री ने मुस्कुराए और कहा कि बेटा, जनता ही परिवार है, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। विकास यादव ने सवाल किया कि आप हमेशा स्वच्छता की बात करते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? पीएम ने जवाब दिया, मन या फिर समाज में सफाई जरूरी है, इसीलिए हमेशा स्वच्छता की बात करता हूँ। पीएम मोदी ने भी बच्चों से सवाल किए। सुनैना से पूछा कि घर अच्छा लगता है या हॉस्टल? जवाब आया, हॉस्टल में रहना पसंद है, हॉस्टल में सब काम समय से करना पड़ता है। इस पर पीएम मोदी जोर से हंसे और सुनैना को शाबाशी दी। सुजाता से पूछा कि आपको खाने में कौन सी सब्जी पसंद है? जवाब मिला, सभी सब्जियां। आकृति से पूछा कि कौन सा खेल पसंद है? उसने बताया कि बैडमिंटन अच्छा लगता है। पीएम के पूछने पर आकृति ने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम साइना नेहवाल बताया। पीएम मोदी से मिलकर निकले बच्चे बहुत खुश दिखे, सबके चेहरे खिले हुए नजर आए। मुस्कान प्रजापति, नैन्सी पटेल, हिमांशु यादव, अंशिका, प्रिया प्रजापति, प्रीति चौहान, रुचिका चौहान, हिमांशु बिंद, मिथिलेश संगम, सृष्टि कुमारी, आदर्श मौर्य, नित्यांश शर्मा ने कहा कि पीएम से मिलने का अनुभव शानदार है।